गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिसोर्स पूल ऑफ मटेरियल्स। पहला जो है वो है आपका ऑडियो विजुअल मटेरियल, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री हम इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यहां पर कि दृश्य श्रव्य सामग्री से आप कैसे दृश्य का आप वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, आपको इसमें ये पढ़ना है। कह रहे हैं वर्तमान टाइम में स्थायी स्मृति के लिए शिक्षा का सीधा संबंध हृदय और मस्तिष्क से होना चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका संबंध देखने और सुनने से होता है, जिससे ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, वो प्रभावित हो सके। यह साधन जो है वो दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं, मतलब जहां पर आप देख भी पाएं और सुन भी पाएं। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। तो ये वो साधन है जो वस्तु विशेष की पूर्ण रूप से स्पष्ट धारणा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी वस्तु की वास्तविक अनुभूति प्रदान करना, जैसे संतरे या सेब को देखकर, छूकर, सूंघकर, प्रत्यक्ष रूप से चखकर, विद्यार्थी उस संबंध में अच्छी तरह समझ सकते हैं। बालकों को सीखने समझने में सहायता प्रदान करने वाली ये वस्तुएं जो अध्यापक द्वारा कक्षा में किसी उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती हैं, वे दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप का रूप ही है। ये ठोस वस्तुओं का वो समूह इसे देखकर, उसकी ध्वनि सुनकर, छूकर, चक्कर, टटोलकर छात्र नया अनुभव प्राप्त करती हैं और अपने मस्तिष्क में सीखने की प्रक्रिया स्वरूप अंकित कर लेते हैं। यहां पर एक चीनी कहावत कही गई है कि एक बार देखा हुआ हजार बार कानों में सुने हुए से अच्छा होता है। मतलब अगर आप किसी एक चीज को एक बार देख लें तो वो आपकी स्मृति में कहीं पे स्टोर हो जाता है। तो कहा गया दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो पढ़ने का, सीखने का बहुत अच्छा उत्तम साधन है। बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। पहली है डेंट के अनुसार कि दृश्य श्रव्य सामग्री वह है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है। शिक्षा परिभाषा कोष ने कहा कि सीखने की क्रिया में सहायक देखने और सुनने के साधन जैसे चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र या चित्र आदि को दृश्य श्रव्य सामग्री या साधन कहते हैं। अब कैसे बंटवारा हुआ है इसका, तो दो भाग में, दो प्रकार के आधारों के, दो प्रकार से इसका बंटवारा किया गया है। पहला है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर और दूसरा है तकनीकी के आधार पर। अब अगर इंद्रिय की बात करें तो यहाँ पर श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है और क्रियात्मक साधन है। श्रव्य कौन से, जो सिर्फ आप सुन सकते हो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगाफोन और फोनोग्राम, डिक्टाफोन या लाउड स्पीकर, खाली आप इसको सुन सकते हो। दृश्य सामग्री कौन सी होती है, जो आप देख सकते हो, जो आपकी, जिसका इस्तेमाल आपकी आंखें करती हैं। तो उसको भी दो उपश्रेणी में बांटा गया है। पहली है गैर प्रक्षेपी साधन, इसमें आपके दृश्य साधन आते हैं और श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन दोनों आते हैं। अब इसमें कौन कौन से, दृश्य में मॉडल, चार्ट, मानचित्र, चित्र, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक, संग्रहालय, फोटो नमूने, ये सब आते हैं। श्रव्य में आपके रेडियो और रिकॉर्डिंग्स हो गई। और दोनों में क्या होगा, टेलीविजन आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, शिक्षण मशीन और कंप्यूटर। नेक्स्ट है प्रक्षेपी साधन। अच्छा, रेडियो जो है वो खाली श्रव्य में आएगा, दृश्य श्रव्य में नहीं आएगा, रेडियो को आप देख नहीं सकते हैं। प्रोजेक्टिव एड्स में कौन से आते हैं, आपके मुख, चलचित्र, फिल्म पट्टियां, एपिडाइस्कोप, मायादीप, सूक्ष्म प्रक्षेपी, एपिस्कोप, शिरोपरि प्रक्षेपी, अपारदर्शी प्रक्षेपी। फिर आता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। इसमें वो साधन आते हैं, वो सामग्रियां हैं, उपकरण शामिल हैं जो हमारे चक्षु और श्रवण दोनों ही इंद्रियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। दूरदर्शन हो गया आपका, बोलते हुए चलचित्र, रेडियो विजन, कठपुतली का प्रदर्शन, सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो स्लाइड प्रोजेक्टर, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी एड्स, क्रियात्मक साधन। तो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में वे साधन लिए जाते हैं जो देखने, सुनने और करने द्वारा अधिगम को प्रभावित करने में सहायक होता है, जैसे कि अभिनय करना, भूमिका निभाना, प्रयोगशाला और कार्यशाला में काम करना, संग्रहालय, चिड़ियाघर का भ्रमण, मेले और प्रदर्शनी और मोकअप्स। तकनीकी के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सरल हार्डवेयर, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर। सरल हार्डवेयर की बात करें तो उसमें आपका एपिस्कोप, डायस्कोप, मैजिक लैंटर्न, एपिडायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, ओपेक प्रोजेक्टर और ओवरहेड आते हैं। हार्डवेयर की बात करें, टेलीविजन, रेडियो, चलचित्र, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीनें इसमें आती हैं।
सॉफ्टवेयर में स्लाइड, फिल्म पट्टियां, ग्राम, व्यंग चित्र, मॉडल चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, चार्ट, उल्लेख, नमूने, ये सब आते हैं। अब अगर आगे बात करें तो हमें कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या है कि साधारण की सहायक सामग्री शिक्षण विधियों को बदलने के लिए नहीं बल्कि उनको पूरक बनाने के लिए है और इन्हें योजनाबद्ध करने के लिए है। दूसरा कि साधारण सहायक सामग्री बहुत अधिक उपयुक्त होती है। सहायक सामग्री संक्षिप्त होनी चाहिए, सहायक सामग्री रोचक हो और सहायक सामग्री यथार्थवादी मतलब अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सहायक सामग्री विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जहां सहायक सामग्री का उपयोग करना उपयुक्त है वहां बहुत अधिक सामग्री का प्रयोग करना भी गलत होता है, मतलब इस्तेमाल करें बट इतना भी नहीं कि आप सिर्फ खाली इन्हीं पर बेस्ड है। सहायक सामग्री का चुनाव उचित होना चाहिए, विद्यार्थी सहायक सामग्री के प्रयोग के प्रत्यक्ष रूप में भाग लें। अब विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसकी, तो कह रहे हैं प्रत्येक अध्यापक का ये प्रयत्न रहता है कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए अनेक प्रकार के शिक्षण प्रविधियां और सहायक सामग्री का इस्तेमाल करता है। वो सहायक सामग्री कौन सी होती है, इसके द्वारा कठिन विषय को सरल, स्पष्ट और रोचक बनाया जा सके। दृश्य श्रव्य साधन भी ऐसी ही सहायक सामग्री है। ये ऐसे साधन है छात्रों की श्रव्य दृश्य ज्ञान को सक्रिय रूप से पाठ्य में हेल्पफुल होते हैं। अब विशेषताएं, तो पहला क्या है, उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री की कक्षा में जिस दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है उसका उपयोग अति आवश्यक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का आकार की कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली दृश्य श्रव्य सामग्री ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आकर्षकता की मतलब वो इतनी आकर्षक हो कि बच्चों को अपनी तरफ लुभाए। जो भी आपके उद्देश्य हैं उसके इस्तेमाल से पूरे होने चाहिए और सीमित शब्दावली का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। जिज्ञासा उत्पन्न हो बच्चों के अंदर कि आज हम ऐसा क्या नया करने वाले हैं कि जो सर या मैम आज ये सामग्री अपने साथ लेकर आए हैं। अब विधि क्या है, कहना कि भाई इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो है तीन अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल होता है। पाठ की तीन अवस्थाओं में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और पुनरावृत्ति। इन तीनों अवस्थाओं में इसके उपयोग करने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्रस्तावना में दृश्य सामग्री का इस्तेमाल विद्यार्थियों को पाठ में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में इसका इस्तेमाल सूक्ष्म तथ्यों और कठिन भावों आदि को विद्यार्थियों को सामने स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति में अवस्था में उक्त सामग्री का प्रयोग सारे पाठ का मूल्यांकन के लिए यहाँ पर हम करते हैं। सामग्री का आवश्यकता अनुसार प्रयोग होना चाहिए, मतलब जब इसका प्रयोग हो आवश्यकता हो तभी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। उचित अवलोकन व चिंतन के लिए पर्याप्त समय बच्चे को दिया जाना चाहिए। बच्चों से सामग्री का इस्तेमाल करते वक्त बीच बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए। सहायक सामग्री का इस्तेमाल करने में विविधताएं होनी चाहिए। सहायक सामग्री की प्रस्तावना या भूमिका को तैयार रखना चाहिए। सहायक सामग्री के प्रभाव की संभावना भी होनी चाहिए। पाठ के कठिन भागों में स्पष्टीकरण के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत लाभकारी होता है। प्रदर्शन के बाद सहायक सामग्री को हटा देना जरूरी है। सहायक सामग्री को दिखाने के बाद मुख्य पाठ की ओर बढ़ना भी अति आवश्यक है। सिर्फ सहायक सामग्री पर बेस्ड रहना और ये सोचना कि भाई इससे ही पूरे पाठ को हम समझा देंगे, ये हमारी गलत फहमी होती है। अब इनका चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहला है कि साधन अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित आपका एड हो। साधन प्रकरण का शुद्ध रूप प्रस्तुत करें, मतलब जो भी आप साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको शुद्ध रूप से बच्चों के सामने दिखाया जाए। साधन आधुनिक हो, मतलब जो उस टाइम पे ट्रेड है ट्रेंड में है या जिस जो भी आधुनिक प्रणाली है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। साधन विद्यार्थियों के अनुभव और बुद्धि के उपयुक्त होने चाहिए। उसके बाद साधनों का चुनाव करते वक्त विद्यार्थियों के परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब विद्यार्थी का एनवायरमेंट क्या है इसको ध्यान में रखते हुए साधन का आपको इस्तेमाल करना है। साधन को अच्छी हालात में, मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल करते कहीं भी फेंक दिया, उसको आपको अच्छे से रखना है ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो, टूट फूट ना हो और उसमें कोई खराबी ना आ जाए। अगला है शिक्षणात्मक टिप्पणी से युक्त साधनों को प्राथमिकता, मतलब जैसे
जो साधन है जिसका इस्तेमाल आप शिक्षा में कर सकते हो उसको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। शैक्षणिक गुणों वाले साधनों को प्राथमिकता, मतलब जिनमें शिक्षा के गुण हो, शिक्षा में इस्तेमाल करने के गुण हो, उनको प्राथमिकता दी जाए। बहुत अधिक साधनों को नहीं लाना चाहिए, मतलब बेकार में ही किसी, मतलब जरूरत नहीं है हमें साधन की लेकिन फिर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत बात है। हमें अनावश्यक तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली कुछ सामान्य दृष्टव्य सामग्री की विवेचना करनी है हमें यहाँ पर। अब तो देखते हैं क्या बोलते हैं इसके अंदर। वास्तविक पदार्थ पहला, तो कह रहे हैं वास्तविक पदार्थों से हमारा मतलब क्या है कि मूल वस्तुओं से है। ये शिक्षार्थियों की इंद्रियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें निरीक्षण और परीक्षण के अवसर देकर उनकी अवलोकन शक्ति विकसित करते हैं। उनके वास्तविक पदार्थों को छूने देखने से तो जो प्रतिभाएं निर्मित होती हैं वे उनकी कल्पना शक्ति के विकास में पूरा सहयोग देती हैं। तो कह रहे हैं स्पष्ट है कि इन पदार्थों का प्रयोग से शिक्षार्थियों को एक प्रकार के अनुभव मिलते हैं, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वे इन पदार्थों को अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय के संग्रहालय में इकट्ठा कर सके। दूसरा है मानचित्र की, मानचित्र का इस्तेमाल दृश्य सहायक सामग्री के रूप में प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और भूगोल तथ्यों और स्थलों के अध्ययन के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मानचित्र का संग्रहण भी बहुत आवश्यक है। फिर है चित्र, कहें कि वास्तविक पदार्थ और प्रतिमान न मिलने की स्थिति में ही चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पदार्थों का प्रतिमान, पदार्थों और प्रतिमानों से सस्ते और आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। चित्रों के माध्यम शिक्षण कराने पर शिक्षार्थियों का ध्यान पाठ की ओर लगा रहता है और शिक्षक का उद्देश्य आसानी से पूरा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए शिक्षक को प्राथमिक कक्षाओं में चित्रों का आवश्यक इस्तेमाल करना चाहिए। इन चित्रों का इस्तेमाल विशेषतः भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा, बागवानी और प्रकृति के लिए हम कर सकते हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली हैं। पहले, एक चित्र स्पष्ट, रंगीन और चित्ताकर्षक होने चाहिए ताकि शिक्षार्थी उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार और रंग रूप से भलीभांति परिचित हो जाएं। चित्रों में विषय वस्तु से संबंधित प्रमुख बातें दिखाई जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थी किसी भ्रम में ना पड़े। इन चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए, कक्षा में बैठा प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी असुविधा के उन्हें देखकर लाभान्वित हो सके। फिर है प्रतिमान, कि ये वास्तविक पदार्थों के लघु रूप, मतलब छोटे रूप होते हैं। इनका इस्तेमाल वास्तविक पदार्थों को ना मिलने पर किया जाता है और जो वास्तविक पदार्थ कक्षा में दिखाने संभव ना हो, जैसे कि हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट, रेल का इंजन, वायुयान, ये सब, इनका कक्षा में वास्तविक रूप से दिखलाना संभव नहीं होता है। इसलिए शिक्षार्थियों को इनसे संबंधित ज्ञान देने के लिए इनके प्रतिमान दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिमान जो है वो स्कूल में जरूर उपलब्ध होने चाहिए। फिर है स्केच एंड डायग्राम्स, कि कभी कभी अवसर भी आता है जबकि अध्यापक को वास्तविक पदार्थ, प्रतिमान, चित्र, मानचित्र नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में अध्यापक को भाव प्रकाशन के लिए ब्लैक बोर्ड और रंगीन चौक से डायग्राम और खाके खींचने चाहिए। फिर है ग्राफ, इसका भी अपना महत्व होता है। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को भूगोल, विज्ञान और इतिहास संबंधी ज्ञान आसानी से दिया जा सकता है। इसके माध्यम से भूगोल का अध्ययन करते समय जलवायु, उपज, जनसंख्या आदि का ज्ञान बच्चों को हम दे सकते हैं। फिर है चार्ट, किसके प्रयोग से अध्यापक को शिक्षण और लक्ष्य प्राप्ति की काफी मदद मिल जाती है। इसका इस्तेमाल भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भाषा, विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये चार्ट विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार अध्यापक को खुद तैयार करने चाहिए, ठीक है। फिर है आगे फ्लैनल बोर्ड, कह रहे कि आज के यांत्रिक युग में दृश्य सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। ये बोर्ड दिखाने के लिए दीवार पर लगा दिया जाता है। इसका ज्ञान शिक्षण में प्रभावशील ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। ये कतरनों को प्रदर्शित करने का सुगम तरीका है। यह श्यामपट के आकार का बनाया जा सकता है या 4x3 के आकार का भी ठीक रहता है, ठीक है भाई। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व या उपयोगिता है। तो बहुत सारी उपयोगिता महत्व यहाँ पे दिए गए हैं। एक चीनी कहावत यहाँ पर लिखी है, पहले ही पढ़ चुके हैं, कि 1000 बार सुनना इतना प्रभावशाली जितना कि एक बार देख लेना। बेसले कहते हैं कि दृश्य श्रव्य साधन अनुभव देते हैं। इसका इस्तेमाल से शब्दों और वस्तुओं का संबंध सरलतापूर्वक जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है। इन सहायता से सरल और सही बातों का पता लग जाता है। क्रोमिनियम के अनुसार समस्त अधिगम का आधार पदार्थों को ज्ञानेन्द्रियों के समक्ष स्पष्ट कराना होता है ताकि उनका सरलता से गुण विवेचन हो सके।
रास या प्रैक्ट कहते हैं कि दृश्य सामग्री शक्तिशाली आरंभ करने वाली और प्रेरणा देने वाली है। ये जोश और रुचि उत्पन्न करती है और विद्यार्थियों को अधिक तेजी से अधिगम करने, देर तक याद रखने, निश्चित जानकारी प्राप्त करने और नाजुक धारणाओं और अर्थों को समझने में हेल्प भी करती है। अब महत्व क्या है? तो पहला कह रहे हैं कि बहुत सारे महत्व यहाँ पर, पहला है कि ध्यान केंद्र करना। जब बच्चा कुछ देखता है तो उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित रहता है। अभी प्रेरणा के लिए कि बच्चा देखकर प्रेरित जल्दी होता है। नवीनता की जो सामग्री है, दृश्य सामग्री, ये पढ़ाई के ढंग में नयापन लाती है। अधिगम को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। शिक्षण आसानी से और अच्छे से हो पाता है। रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, बच्चा देखकर अपनी स्मृति में उसको एक पिक्चर के तौर पर रख लेता है। शिक्षण के सूत्रों पर आधारित है। अब चार सूत्र हैं शिक्षा के, सरल से जटिल की और, सरल से सूक्ष्म की और, ज्ञात से अज्ञात की और, कर करके सीखना, इनको इन पर आधारित है। ज्ञानेंद्रियों का प्रभावपूर्ण प्रयोग यहाँ पे होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उपयोगी है ये, और समय और शक्ति की बचत यहाँ पे होती है। अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये अधिगम और प्रशिक्षण के स्थानांतरण में सहायक है। बच्चों के अनुभव को अर्थपूर्ण, मतलब बच्चे जो सीखते हैं उसको एक अर्थ देती है। प्रत्येक अनुभवकों को पूरक, मतलब बच्चा जो है यहाँ पे खुद अनुभव कर रहा है चीज को। जीवन संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मानसिक शक्तियों का विकास और वैज्ञानिक अभिव्यक्ति को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। बच्चा जो है अपने दिमाग में बहुत सारी स्मृतियां लेकर यहाँ पर चलता है। अब विवेचना क्या है यहाँ पर इसकी बात करते हैं। इसके महत्व की हम बात कर चुके हैं, अब इसके उपयोगिता की बात हो रही है। तो पहला क्या है, ज्ञान सरलतापूर्वक ये देती है, मतलब बच्चों को सिखाने में सरलता रहती है। प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, मतलब बच्चों को हम अगर फील्ड ट्रिप पे ले जाए तो बच्चा यहाँ पे खुद देखता, तो हम इसके माध्यम से बच्चे को वो अनुभव करवा सकते हैं। प्रेरणा और रोचकता के कारण उत्तम सीखना यहाँ पे सकता है। अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि के लिए, मतलब जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो एक क्लास में 40 से 50 या 80 बच्चे तक भी हैं, तो एक टीचर जो है बोलकर अपने बच्चों को समझा नहीं सकता, तो बेहतर है कि भाई वो उसको दिखाकर समझा दे। कम बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयुक्त है। एकाग्रता लाने में सहायक होती है ये। प्रत्यक्ष अनुभवों के पूरक है। ज्ञान का विस्फोट करती है। ठोस स्तर और अधिक देर तक रटने वाला ज्ञान है ये। कक्षा कक्ष में वास्तविकता लाना बहुत जरूरी है। कल्पना और निरीक्षण शक्ति का विकास यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे है कि इसके रखरखाव के संबंध में क्या जरूरी बातें हो सकती हैं, हम इसका रखरखाव किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो हम ये जाने कि भाई वो कौन से कारण हैं जिनसे एक अध्यापक इनका ख्याल नहीं रख पा रहा। तो पहला वो है कि विद्यालय में उपकरणों के रखने के स्थान पर्याप्त अभाव है। यहाँ पर विद्यालय में दृश्य सामग्री को रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। विद्यालय में टाइम टाइम पर विशेष प्रकार के उपकरणों की मरम्मत करने का पर्याप्त प्रबंध भी नहीं होता। विद्यालय में उपकरण को रखने के खोने का भय रहता है। उपकरणों के रखने के लिए अलमारियां नहीं है। विद्यालयों में उपकरण संबंध उपयुक्त सूचियां उपलब्ध नहीं होती। कुछ प्रकार की सामग्री और उपकरणों के प्रयोग के लिए अध्यापक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं। आपको सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं इन सामग्री का रखरखाव और उपयोग और सुरक्षा के लिए। तो पहला है कि विद्यालय में सामग्री और उपकरणों की सुरक्षा के लिए उचित स्थानीय अलमारियां होनी चाहिए। जिस प्रकार की सामग्री हो उसे उसकी आवश्यकता अनुसार तकनीकी जानकारी के आधार पर रखा जाए। वास्तविक पदार्थों, दृश्य उपकरणों, नमूनों आदि को उपयुक्त आवरण या शीशे के बक्सों आदि में रखा जाए। छात्रों को दृश्य सामग्री दिखाते टाइम अनुशासन और उचित सीखने के वातावरण को बनाए रखना चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को इसके इस्तेमाल करने, छोटी छोटी टूट फूट को ठीक करने की योग्यता कौशल देना चाहिए। ऐसे ही कुछ 13 यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स को। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे स्थानीय साधनों के प्रकार, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है उसको हमसे पढ़ लें। ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही रहेंगे क्योंकि सिलेबस बचता है भी हमारा और जून स्टार्ट हो गया है, इसलिए थोड़ा स्पीड में रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको आप क्लियर कर लेंगे।